और एक बार इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। और भी जगह 5 साल 10 साल तक आदमी मेहनत करता है, फिर भी इस पोजीशन में नहीं आ पाता है कहीं भी। बोलते हैं ना, अगर आप चूहे के रेस में दौड़ते हैं तो जीत भी गए तो चूहा है, और शेर के रेस में दौड़ेंगे तो हार भी गए तो शेर है, है ना। तो यही शेर का व्यापार है। और देखिए इनके आज इतना दिन मेहनत करने के बाद आज कम समय में मैनेजर बने, अब यहाँ के बाद कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो हम सुनेंगे इनको, बस 2-2 मिनट सुनेंगे जरूर। लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार किसी हजारीबाग से हूँ, और 2 साल से मैं इस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मैं सीख रहा हूँ, और सीखते हुए आज मैं आपके सामने हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपना अपलायन को, जिन्होंने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सिस्टम को हमको समझाए, हमको अच्छा लगा। और मैंने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एज ए यूजर के रूप में आया, मेरा किडनी में स्टोन था और मैं जब इस प्रोडक्ट को यूज किया तो वो स्टोन ठीक हो गया मेरा। और स्टोन ठीक होने के बाद में एक जन विकास केंद्र में सेमिनार हो रही थी और वहाँ हम आए और इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सेक्टर को मैंने समझा। और हमको सबसे अच्छा लगा यहाँ क्या कि अभी के समय में लोगों का जो ज़रूरत है वो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दे रही, जो बीमारी और बेरोजगारी हम लोग बोलते हैं। और इस इंडस्ट्री को मैंने सीखना चालू किया और सीखते हुए आज मैं इस लेवल पर हूँ। और ये मंच मुझे पहली बार मिला, इतना बड़ा मंच, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं है, मेरा बीकॉम कंप्लीट 2016 में हुआ। और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने से पहले मैं बोल सकते हैं, हमको आज बोलने का ये हो रहा है, मैं पेंट वाला काम करता था, मैं लेबर का काम करता था। और उस काम को करते हुए मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। लगभग 7 से 8 महीना मैंने पार्ट टाइम में किया फॉरएवर को, और जब मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया तो मैं फुल टाइम में फॉरएवर में आ गया। और फुल टाइम में मैंने सिर्फ अपना लेबर को ट्रांसफर किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। सर अगर आगे आपको आना है तो अपना लेबर को सिर्फ ट्रांसफर करना अपने टीम में, और मैंने 6 सुपरवाइजर क्वालिफाई कराए अपने टीम में और मैं यहाँ तक पहुँच गया।